नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद संघ मिश्रा मौर्य का टिकट काट दिया। उनकी जगह पार्टी ने दुर्विजय साकिया को प्रत्याशी बनाया है। इन सबके बीच संघ मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले एक चुनावी सभा के मंच पर बैठी है और रो रही है। दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघ मिश्रा मौर्य टिकट कटने से आहत है। संघ मिश्रा के रोने का जो वीडियो वायरल है, उसमें योगी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी भी नजर आ रही हैं। वह संघ मिश्रा के बगल में बैठी हैं। उधर संघ मिश्रा मौर्य ने वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दी है। उन्होंने कहा कि संघ मिश्रा इतनी कमजोर नहीं है। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि गुलाबो देवी एक कहानी सुना रही थी, जिसकी वजह से वे भावुक हो गई और रोने लगी। अचानक क्या हो गया कि आपकी आज आंख नम हो गई? ठीक है, मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संगमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संगमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व तो करने वाली महिला है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर, टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ, अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। संघ मिश्रा ने सफाई में कहा कि मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाबो देवी बैठी हुई थी, उस वक्त कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। इस दौरान मंत्री ने मुझे राजा दशरथ की एक कहानी सुनाई जो काफी भावुक थी, जिसे सुनकर मैं रोने लगी। इस वजह से मेरी आंखें नम हुई थी। संघ मिश्रा मौर्य बहादुर महिला है, टिकट कटने जैसी छोटी चीज पर भावुक होना शोभा नहीं देता। अगर टिकट कटने पर मैं रो रही होती तो जब पहले दिन प्रत्याशी का ऐलान हुआ उसके बाद में मौजूदा प्रत्याशी के साथ नहीं दिख रही होती। पार्टी में मेरे मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती तो मैं कार्यक्रम से दूरी बना लेती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।